વલસાડના રામરોટી ચોક પરથી વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રચાર અર્થે આમ આદમી પાર્ટીના અરવિંદ કેજરીવાલના યોજાયેલા ભવ્ય રોડ શોમાં હજારોની જનમેદની ઉમટી પડી હતી। વલસાડ વિધાનસભાની બેઠકના આપના ઉમેદવાર રાજુ મરચાના પ્રચાર અર્થે અરવિંદ કેજરીવાલના યોજાયેલા રોડ શોમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા હતા, જ્યારે કેજરીવાલે ચૂંટણીમાં આપના ઉમેદવારને મત આપી જીત અપાવવા અપીલ કરી હતી। मैं पिछले कुछ महीनों से गुजरात आ रहा हूँ और इतना प्यार गुजरात के लोगों ने मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप में से कौन कौन मुझे अपना भाई मानता है? गुजरात के लोगों का अब मैं भाई बन गया हूँ। कुछ लोग मुझे अपना बेटा मानते हैं, कुछ लोग मुझे अपना भाई मानते हैं। गुजरात के हर परिवार का मैं हिस्सा बन गया हूँ। तो मैं भी आज आप लोगों को वचन देता हूँ, गुजरात में जब हमारी सरकार बनेगी, आपका भाई बनके, आपके परिवार का हिस्सा बनके, मैं आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा। घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है, आमदनी बढ़ती नहीं है, 25 तारीख को पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर समझ नहीं आता बाकी महीना कैसे बीतेगा। अगर तो नहीं यार बहन जी, तो सबसे पहले 1 मार्च के बाद से आप लोगों को अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है, 0 बिजली का बिल आता है। दिल्ली में हमने शानदार हॉस्पिटल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, पूरे दिल्ली के अंदर इतने अच्छे कि प्राइवेट के अंदर भी उतना अच्छा इलाज नहीं होता जितना सरकारी अस्पतालों में बिजली होता है। गुजरात में भी शानदार हॉस्पिटल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। दिल्ली में 5 सबका इलाज मुफ्त कर दिया, 5 रुपए की गोली वो भी मुफ्त, और अगर 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का ऑपरेशन होना है वो भी मुफ्त। सब चिंता मत करना, उसका इलाज आपका भाई कराएगा, सारा इलाज करेगा।